अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल हैं? उम्मीद है सब खैर खैरियत से होंगे। अच्छा, ये आप आज मैं अभी जा रहा हूँ दुबई सिलिकॉन ओएसएस इंटरनेशनल सिटी से, थोड़ा अपने अकाउंट में जो है वो पैसे डालने थे। सुबह एक शॉप का चेक है तो वो चेक कराएं, कैश कराएंगे तो अकाउंट में पैसे होने चाहिए। तो अभी मैं सिलिकॉन ओएसएस में सूक एक्स्ट्रा पे जा रहा हूँ। सूक एक्स्ट्रा एक मार्केट है, तो वहाँ पे मेरे मशरक बैंक की जो है वो एटीएम लगी हुई है। तो आज हम आपको दिखाएंगे कि भी कैसे बैंक में पैसे डाले जाते हैं एटीएम के थ्रू। पाकिस्तान में अगर किसी के बैंक अकाउंट में पैसे डालने हों तो लाइन लगना पड़ता है, फॉर्म होता है, फॉर्म फिल करना पड़ता है। तो यहाँ पे ऐसा कोई चक्कर नहीं है, यहाँ पे कैश डिपॉजिट एटीएम मशीन्स होती हैं तो उनके थ्रू जो है वो बैंक में पैसे डाले जा सकते हैं। तो आज इसी का एक्सपीरियंस करेंगे हम, देखेंगे कि कैसे यहाँ पे जो है ना कैश डिपॉजिट मशीन्स काम करती हैं, और दो तीन चीज़ें और भी मैं आपको इंटरेस्टिंग दिखाऊंगा। तो बने रहिएगा वीडियो के साथ, इंजॉय करते रहिए। नाइट व्यू है दुबई का। अच्छा, नाइट व्यू में रोड्स देखें कितने साफ नज़र आते हैं, लाइट्स लगी हुई हैं, कोई लाइट आपको ख़राब नज़र नहीं आएगी। ऊपर जो रोड लाइट्स हैं कोई भी आपको ख़राब नज़र नहीं आएगी। अच्छा जी, ये देखें, ये हम ब्रिज से नीचे उतर रहे हैं। ये मनामा स्ट्रीट पे अभी हम आ गए हैं। मनामा स्ट्रीट के फर्स्ट सिग्नल से हम लेफ्ट लेंगे, सॉरी राइट लेंगे सिलिकॉन के लिए। तो मैं लाइट्स की बात कर रहा था कि भी यहाँ पे जो है ना लाइट्स जो हैं वो इतने डिस्टेंस पे होती हैं कि भी रोड के ऊपर जो है वो रोशनी बरकरार रहती है, अंधेरा नहीं होता बिल्कुल। अगर लाइट भी बंद भी कर दी जाए तब भी जो है ना वो गाड़ी बंदा इजीली चला सकता है 120 की स्पीड पे, या जितनी स्पीड लिमिट होती है रोड की उतनी स्पीड के साथ चला सकता है। लाइट्स थोड़ा ऑफ करेंगे वकास भाई, हमारे नाजरीन को दिखाएं। ये देखें, ये गाड़ी की हमारी लाइट्स ऑफ हो गई बट रोड जो है वो फिर भी रोशन है। लाइट्स जो है गाड़ी की यहाँ पे वो डिम रखते हैं, मतलब हाई बीम पे कोई नहीं यूज करता। लाइट जस्ट पीछे इंडिकेशन देने के लिए, रात के टाइम अगर साइड मिरर में कोई ड्राइवर अगर साइड मिरर में देखता है तो उसे पीछे पता चले अभी मेरे पीछे कोई गाड़ी आ रही है। ये नहीं है कि भी लाइट अपनी फुल रखो और अगले ड्राइवर के को बस ऐसे अंधा कर दो, आगे वो भी ना पीछे देख सके ना आगे देख सके। अच्छा जी, ये अब मेरे लेफ्ट साइड पे जो हम जा रहे हैं ये दुबई एकेडमिक सिटी है। यहाँ पे जो है वो दुनिया भर से यूनिवर्सिटीज़ के जो कैंपस हैं वो खुले हुए हैं। हर यूनिवर्सिटी का कैंपस इसी एकेडमिक सिटी में है दुबई में। तो मोस्टली यहाँ पे जो हैं वो स्टूडेंट्स होते हैं, बिल्डिंग्स जो हैं वो स्टूडेंट्स की अकोमोडेशन के लिए होती हैं, और मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ के जो कैंपस हैं दुनिया भर की यूनिवर्सिटीज़ के वो यहीं पे हैं दुबई एकेडमिक सिटी में। हम जा रहे हैं दुबई सिलिकॉन ओएसएस में। सिलिकॉन ओएसएस एक फ्री जोन एरिया है, तो इनकी अभी अपनी ही अथॉरिटी है, सिलिकॉन अथॉरिटी, दुबई सिलिकॉन अथॉरिटी DSO। तो इनका अपना हर चीज़ फ्री जोन का जैसे लाइसेंस होता है कंपनीज़ के लिए, वो हर चीज़ अपनी है। इनका इंडस्ट्रियल जोन अपना है, मतलब दुबई के जो है ना वो इन्होंने पार्ट्स कर दिए हैं, मतलब दुबई के इन्होंने जो है वो हर एरिया जो है वो सेपरेट कर दिया है। हर एरिया अपनी स्पेशलिटी के लिहाज से जो है ना वो डिफरेंट है। अब सिलिकॉन ओएसएस में काफ़ी सारी कंपनियाँ हैं जो सॉफ्टवेयर की हैं, काफ़ी सारी कंपनियाँ हैं जो मल्टीमीडिया की हैं,
यहाँ पे टेक्सटाइल कंपनियाँ हैं, इंडस्ट्रियल एरिया इनका अपना है, छोटा सा एक स्मॉल इंडस्ट्रियल यूनिट है, तो मतलब हर चीज़ की जो है फैसिलिटी उस एरिया में दी जाती है। हाँ विकास भाई, अभी लाइट्स ऑफ करें, अभी आप दिखाएं व्यूअर्स को, यहाँ पे तो पता भी नहीं चलेगा लाइट्स ऑफ हैं या ऑन हैं। ये देखें, ये भी रिसेंटली ही ये रोड जो है ना इसको एक्सटेंड किया है इन्होंने, पहले ये दो लेन में थी, अब इन्होंने ये चार लेन में और जो है ना एग्जिट इन्होंने अलग किए हैं। ये साथ में कॉन्स भी रखी हुई हैं, कंस्ट्रक्शन मतलब अभी है यहाँ पे, लेकिन ये है कि भी जब ये रोड को एक्सटेंड करते हैं या कोई नया ब्रिज बनता है कुछ होता है तो कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं होती, कोई कुछ नहीं होता, कोई शेख मोहम्मद नहीं आए होते यहाँ पे इनॉग्रेशन के लिए, अभी मैंने ये नया रोड बनाया है, ये मैंने नया ब्रिज बनाया है, किसी को पता ही नहीं चलता। सुबह रोड जो है वो ओपन होती है, वहाँ से आप यूज़ कर सकते हैं। ये अभी हम सिलिकॉन ऑयसिस का एग्ज़िट ले रहे हैं और हम राइट ट्रैक में रहेंगे क्योंकि आगे सिग्नल है, सिग्नल को हमने राइट करना है। अभी 10 बजे के बाद यहाँ पे जो है वो पार्किंग फ्री होती है, लेकिन अभी 10 नहीं बजे, रात के 10 बजे के बाद, तो ये पार्किंग की मशीन लगी हुई है यहाँ पे, जो है ना पार्किंग फीस वो पे करते हैं। ये है जी, इस बटन को प्रेस करेंगे तो ये पार्किंग के लिए पार्किंग जोन यहाँ पे मेंशन होता है, अपने कॉइन से पेमेंट करनी है या नोल कार्ड से करनी है, तो यही पार्किंग जोन है हमारा। कॉइन सेलेक्ट करते हैं, हमारी गाड़ी DX भी प्राइवेट है तो ये डायल करेंगे, वकास भाई गाड़ी का नंबर देंगे। ये इसके ऊपर सोलर गिरे लगा हुआ है चार्जिंग के लिए, मतलब रात को चलती रहे। तो अभी ये हम हाफ आर के लिए अभी ये नज़र नहीं आएगा, ये है ऊपर है काइंस की जगह ये वाली, तो यहाँ पे ये काइंस डालेंगे दो धर्म। दो धर्म डल गए और जो है ना कंफर्म कर दिया। ये यहाँ से फिर इसकी रिसिप्ट दे देगी, ग्रीन किया था रिसिप्ट ये है, तो ये पार्किंग की रिसिप्ट है। इसकी ज़रूरत नहीं होती रिसिप्ट लेने की, ज़रूरत कोई नहीं होती क्योंकि सिस्टम में गाड़ी की जो है वो नंबर प्लेट वगैरह ऐड हो जाती है। ये सामने जो ब्लू कलर की बिल्डिंग नज़र आ रही है ये सूक एक्स्ट्रा है, तो हमने यहाँ पे जाना है, यहाँ पे जो है वो अकाउंट में पैसे जो है डिपॉजिट करने हैं। तो ये जी, ये हम सूक एक्स्ट्रा में पहुँच गए हैं, रात का टाइम है तो विजिबिलिटी शायद थोड़ी कम हो। ये सूक की अपनी पार्किंग है बट ये कस्टमर्स के लिए
फिर यहाँ से बाहर आना निकलना जो है ना वो मुश्किल होता है। ये देखिए ये बीबी का डॉगी है, यहाँ से ऊपर जाना है। हाँ यहाँ से चलते हैं, लिफ्ट से नहीं चलते, यहाँ से चलते हैं। स्टेयर्स यूज करनी चाहिए, सेहत के लिए अच्छी होती हैं। तो ये इसकी एंट्रेंस है सूप एक्स्ट्रा की, है छोटा सा ये इमार का प्रोजेक्ट है तो, बट यहाँ पे फैसिलिटीज़ जो हैं वो हैं काफ़ी ज़्यादा हैं, मतलब यहाँ पे सुपरमार्केट, वीवा सुपरमार्केट भी है और जो है खाने पीने के ये पॉइंट्स भी हैं, मियाबी सुशी है और बाकी जो है वो एशियन फूड्स भी हैं। ये एतिसलात का बूथ है तो ये जी वो एटीएम मशीन है जहाँ पे हमने कैश डिपॉजिट कराना है अल मशरिक बैंक की, तो यहाँ डिपॉजिट पे क्लिक करके अपना कार्ड देंगे, कार्ड से ये मशीन जो है आपका अकाउंट नंबर डिटेक्ट कर लेगी, मतलब आपका बैंक का कार्ड होना चाहिए या अकाउंट नंबर होना चाहिए, अकाउंट नंबर होगा तो वो एमिरेट्स आईडी जो है ना वो कंफर्म करेगी। अभी क्या करना है, हमने पैसे डालने हैं या चेक, यहाँ पे चेक का भी ऑप्शन है और यहाँ पे जो है ना वो कैश का भी ऑप्शन है, कैश भी डाल सकते हैं। ये थोड़ा टाइम प्रोसेसिंग होगा, अभी ये जो है वो नोट्स को काउंटिंग कर रही है, काउंट कर रही है। 5 दिरहम वाले नोट नहीं सी यहाँ पे चलते, और ये इसने कह दिया अभी इतने पैसे हैं, आपने डिटेल भी बता दी है, डिटेल भी बता दी है आपके पास कितने नोट, 100 वाले थे, 500 वाले 8 नोट थे और 1000 वाले 2 नोट थे, तो ये हम कंफर्म करेंगे और जो है इसको स्किप कर देंगे। ये इनका सर्वे है, सर्वे को स्किप कर दिया और जो है नो ओके, ऑप्शन था कि भी प्रिंट करनी है आपने रिसीट या नहीं करनी, तो ना करें तो कोई इशू नहीं होता, मैसेज आ जाता है उसी टाइम। अभी हमने प्रिंट के ऑप्शन पे वो किया है, क्लिक किया है तो ये प्रिंट करके देगी, ये अपनी चॉइस होती है प्रिंट करें ना करें, पाकिस्तान में भी ऐसे है तो यहाँ पे मोस्टली कोई नहीं प्रिंट लेता, ये इसका प्रिंट आ गया। तो ये चीज़ आपको दिखानी थी, चलें ये एक सलून है यहाँ पे साइड में, हमारा जस्ट यही काम था सूप एक्स्ट्रा में। तो ये चीज़ मैं आपको दिखाने लगा था कि ये मशीन रखी हुई है, ये ऑरेंज जूस जो है ना फ्रेश ऑरेंज जूस आपको निकाल के देती है यहाँ से, यहाँ से आप सेल्फ सर्विस के ज़रिए इसके अंदर ये देखिए ऑरेंज वगैरह पड़े हुए हैं, आप यहाँ से फ्रेश जूस ले सकते हैं। ये क्या है, ये सॉल्ट है और ये सॉल्ट भी आप यूज़ कर सकते हैं और स्ट्रॉ भी आप कर सकते हैं। तो अभी हम करते हैं, देखते हैं ये कैसे काम करती है। तो मैंने सोचा कि यहाँ से वो करते हैं, निकालते हैं जूस निकालते हैं, बट यहाँ पे जो है वो आउट ऑफ सर्विस का ऑप्शन दे रही है कि भी ये मशीन अभी जो है वो काम नहीं कर रही, कोई टेक्निकल इश्यू होगा इसमें। तो यहाँ पे जो आप है वो पेमेंट करते हैं, यहाँ पे स्टार्ट पे क्लिक करके ना, आपने यहाँ से कैश 10 दिरहम दिया या कार्ड के ज़रिए आप पेमेंट करें, तो ये यहाँ से आपको 3, 4, 5 ऑरेंज जितने होते हैं इस गिलास में ये डाल के आपको यहाँ से रिटर्न कर देती है। ये एक अच्छी चीज़ है, अगर काम कर रही होती तो एंजॉय करते देखते इसको। ये जी बाहर आए हैं, ये थोड़ा खाने पीने की हैं,
बाबा जॉन्स भी है, शरा मनकुशा भी है, यहाँ पे मलक अल तबूक है, और ये सामने पार्किंग है इसकी, सिलिकॉन ऑयसिस की बिल्डिंग्स हैं, वो जो है वो कॉफ़ी स्टारबक्स है, स्टारबक्स की ये ड्राइव थ्रू सर्विस है, आए आप कॉफ़ी लें और जाएं। और ये जो है ये मॉस्क है, मस्जिद है ये जो आपको ये सामने नज़र आ रही है। तो चलें विकास भाई वापस मस्जिद का आप मीनार देखें। हाँ ये जो है मॉस्क का ये मीनार है सामने वाइट कलर का, ज़ूम करें देखें इसकी कितनी ज़बरदस्त लाइटिंग है। ये इसका मीनार है और जो है ये इसका सामने एक शेर सा बना हुआ है, ये जगह जूते रखने के लिए है, और साइकिल की पार्किंग है, ये साइकिल आप अपने लॉक करके यहाँ पे ठहरा सकते हैं। तो हर चीज़ है, फैसिलिटीज़ हैं, दी हुई हैं। ये बास्किन एंड रॉबिंस की ब्रांच है यहाँ पे, डिफरेंट टाइप्स के स्टॉल्स हैं, हर चीज़ है। अभी लिफ्ट यूज़ कर लेते हैं नीचे जाने के लिए, पहले वहाँ से आए थे, सीढ़ियों से आए थे, तो अभी जो है ये लिफ्ट से नीचे जाएंगे। लेवल 2 पे थी, वहाँ से लेवल 1 पे आई है लिफ्ट, और जो है ये कीप डिस्टेंस के लगाए थे इन्होंने कोविड के दौरान। तो अभी हम यहाँ से ग्राउंड फ्लोर में जाएंगे, फिर देखेंगे। तो जी ये ग्राउंड फ्लोर है, और जो ये मशीन लगी हुई है ना, ऑटो पे स्टेशन है यहाँ पे, आप अंदर जो है सूप की पार्किंग की फीस जो है वो पे कर सकते हैं, ये फैसिलिटी इन्होंने दी हुई है यहाँ पे। ये जी अब हम वापस जा रहे हैं, हमारा काम हो गया, बैंक में पैसे जो है वो डल गए अकाउंट में, तो अभी ये वापस जा रहे हैं। थोड़ा सिलिकॉन ऑयसिस आपको दिखा दें, कश्मीर पॉइंट रेस्टोरेंट जी ये है सामने, कश्मीर पॉइंट रेस्टोरेंट, पाकिस्तानी रेस्टोरेंट होगा ये सामने, सिलिकॉन गेट 1 है, और जो है ये खजूर के दरख्त इन्होंने लगाए हुए हैं। ज़्यादातर दुबई में खजूर के दरख्त ही ये पसंद करते हैं, ये लगाते हैं। अभी ये सामने ये स्पीड लिमिट वाला है कि भी 40 होनी चाहिए, अब हम 26 पे थे तो वो ग्रीन था, ये जस्ट ड्राइवर को याद दिलाने के लिए कि भी आप स्पीड जो है ना अपनी उसी लिमिट के अंदर ही रखें। अब हमने ये राउंड अबाउट जाना है, सीधा राइट नहीं करना, सेकंड एग्जिट हमने करना है, ये वाला सेकंड एग्जिट। अभी यहाँ पे कंस्ट्रक्शन चल रही है, तो ये कॉन्स वगैरह ये रखी हुई हैं, एक लाइन इन्होंने क्लोज की हुई है साथ में, ये देखिए कंस्ट्रक्शन चल रही है, और कंस्ट्रक्शन की जो प्रिकॉशंस हैं ये सारी इन्होंने की हुई है।
साथ में ये पॉन्ड है और वॉकिंग ट्रैक है। ये इन्होंने लाइट्स लगाई हुई हैं खजूर के दरख्त के ऊपर। ये पॉन्ड है और ये वॉकिंग ट्रैक है, लोग बैठे हैं बातें कर रहे हैं और ये इन्होंने लाइट्स वगैरह यहाँ पे लगाई हुई हैं। मतलब हर फैसिलिटी जो है वो दी हुई है। मतलब आप शाम को आएँ, ऑफिस से आएँ थके हुए हैं, रेस्ट करें, रात को आएँ यहाँ पे वॉक करें, अपना वर्कआउट करें, दोस्तों के साथ यहाँ आएँ, इंजॉय करें। यहाँ पे फाउंटेन भी हैं, वो भी चल रहे होते हैं लेकिन अभी जो है वो क्लोज हैं। ये पार्क की इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई हैं बोर्ड्स के ऊपर। अब हम इसी ट्रैक में जाएंगे और यहाँ से एग्जिट लेंगे 311 का, मतलब शेख मोहम्मद बिन जायद रोड का। ये सारा यहाँ तक जो है ये पॉन्ड है। बतख का बोर्ड भी है, बतख भी है यहाँ पे। हाँ, बतख का ख्याल करके गुजरे, ये बोर्ड लगा हुआ है। पेडेस्ट्रियन के लिए पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग है और यहाँ पे वार्निंग लाइट्स लगी हुई हैं कि ब्रेक के ड्राइवर के लिए, ड्राइवर को थोड़ा जो है चौकन्ना रखने के लिए। नेक्स्ट राइड, ये राइड दोबारा घूम के वहीं पे सिलिकॉन ओएसिस में फिर आ जाता है। तो ये देखिए ग्रीनरी है, ये बस स्टॉप है, यहाँ पे लोग ठहरे हैं बस का वेट कर रहे हैं। इन्होंने सजाया हुआ है लाइट्स के साथ पाम ट्रीज को। ये सामने राउंड अवार्ड में भी वही खजूर के दरख्त लगाए हुए हैं। फाउंटेन्स भी चल रहे हैं इधर। हाँ, ये फाउंटेन्स जो हैं ये इधर चल रहे हैं, अभी फूल लगाए हुए हैं और सेम वही पाम ट्रीज हैं लाइट्स के साथ। रोड के साथ ये देखिए ये एरो के निशान रेड कलर के जल रहे हैं कि अभी आगे जो है रोड वो बेंड हो रहा है। यहाँ पे जो है ड्राइविंग वो बहुत आसान है, आपको हर हर चीज के बारे में बताया जाता है। साइन बोर्ड्स लगे हुए हैं नीचे, ये रोड साइंस हैं, ये साथ में ये पेट्रोल पंप है इनोक का। ट्रक ठहरे हुए हैं सारे, ये ट्रक का जो है वो रेस्ट एरिया है। मतलब ये हाईवे जो है अगर ट्रक कहीं दूर से आ रहा है तो यहाँ आके ये रेस्ट ले सकते हैं। मुसलसल चल चल के ब्रेक्स जो हैं वो गर्म हो जाती हैं तो इशू बनता है, तो उनको ठंडा रखने के लिए जो है रेस्ट लाजमी है। ड्राइवर के लिए भी रेस्ट लाजमी है।
तो दोस्तों अभी हम जो है वापस अपने रूम की तरफ पहुंच चुके हैं इंटरनेशनल सिटी में। ये इंटरनेशनल सिटी की पार्किंग है। पार्किंग यहाँ पे बहुत कम ही मिलती है, तो लोग जो है ना वो गाड़ियाँ जो है वो बाहर खड़ी करते हैं पार्किंग से बाहर। ये उस सामने हमारी गाड़ी भी बाहर है पार्किंग से। दिन के टाइम फाइन होता है यहाँ पे, मतलब सुबह 8 बजे से लेके रात के 8 बजे तक अगर बाहर गाड़ी कोई पार्क करेगा तो 500 दिरहम का जो है वो फाइन है। बट 8 बजे के बाद जो है वो फाइन फिर नहीं होता, पुलिस नहीं आती यहाँ पे। सबको पता है, सबने ड्यूटी से वापस आना है तो पार्किंग नहीं होती, थके हुए होते हैं सारे, तो फिर गाड़ी का बाहर कहीं पे, जैसे ये बाहर ठहरी हुई है तो हर कोई पार्क कर देता है। तो उम्मीद है कि आपको जो ये भी जो है ये पसंद आई होगी। तो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट कोई और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ आपसे जो है मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।